बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की मैथ में अभ्यास 5.2 करेंगे। सब बच्चे अपनी मैथ की किताब और कॉपी निकाल लीजिए। किताब में पेज नंबर देखो 28। इसके हमने 2, 3, 4 ये किए थे। सब बच्चे 5 नंबर पर उंगली रखो। राम ने एक व्यापार में 25,252 रुपये लगाए, जबकि उसके दोस्त श्याम ने 21,890 रुपये लगाए। बताइए दोनों में से किसने अधिक रुपए लगाए और कितने? देखो जो लिखा है ना, किसने अधिक, अधिक के नीचे अंडरलाइन करो, किसने अधिक रुपए लगाए और कितने। अधिक लिखा हुआ है, क्या करना है इसमें? माइनस। राम ने कितने रुपए लगाए? 25,252 रुपए, ये तो राम ने लगाए। और श्याम उसके दोस्त ने लगाए 21,890 रुपए। ये कह रहा है कि किसने अधिक लगाए, किसने लगाया अधिक? 25,000 है राम के, 25,252, और श्याम के 21,890। ज्यादा रुपए किसने लगाए? अधिक राम ने। 25,000 ज्यादा होता ना 21,000 से, तो राम ने अधिक लगाए। और ये कह रहा है कितने अधिक लगाए, कितने अधिक लगाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे? राम ने रुपए लगाए। राम ने, ये देखो लिखा हुआ है, रुपए लगाए। कितने लगाए राम ने? 25,252 रुपए, ये पहली लाइन हो गई। दूसरा नाम क्या है? श्याम, उसके दोस्त का नाम है श्याम। तो दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? श्याम ने रुपए लगाए। करो ऐसे किताब में अंडरलाइन, 21,890 रुपए। अधिक किसने लगाए? श्याम ने अधिक, सॉरी राम ने अधिक लगाए। तो इसकी तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? राम ने अधिक रुपए लगाए। अंडरलाइन करो ऐसे, राम ने, ये तो यहाँ से लिखा राम ने, और फिर ये देखो लिखा अधिक रुपए लगाए, और फिर क्या करेंगे? माइनस। लिखो पहली लाइन, राम ने रुपए लगाए। किताब में से देखो अंडरलाइन करा हुआ। बराबर 25,252। दूसरी लाइन लिखो, श्याम ने रुपए लगाए। बराबर कितना? 21,890। सीधे आग की तरफ से लिखेंगे 21,890। और तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? किसने लगाया अधिक? राम ने। तो लिखो, राम ने अधिक रुपए लगाए। राम ने अधिक रुपए लगाए। क्या करेंगे? माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस का निशान करो। ये माइनस, वैसे 0 को माइनस करो, क्या बचा? 2। लिखो यहाँ पर 2। 5 में से 9 को माइनस करेंगे, 5 में से 9 माइनस नहीं होता है, तो क्या करेगा? 5 2 से उधार लेगा। 2 को काटो, इसको 1 उधार दो। अब 2 के पहले क्या आता है? 1। लिखो यहाँ पर 1, कितने हो गए अभी ये? 15। 15 में से 9 माइनस करो, क्या बचा? 6। लिखो 6। अब ये 2 को काट के क्या करेगा? 1। 1 में से 8 माइनस नहीं होता है, तो क्या करेगा ये? 1। 5 से 1 उधार लेगा। 5 को काटो ऐसे, इसको 1 उधार लो। अब 5 के पहले क्या आता है? 4। लिखो 4। 11 में से 8 को माइनस करो, कितना बचा? 3। लिखो 3। 4 में से 1 को माइनस करो, 3। लिखो, और 2 में से 2 को माइनस किया, 0। कॉमा लगाओ, इकाई दाई सैकड़ा कॉमा, 3,362, क्या है ये? रुपए। तो यहाँ पर इकाई लगाओ, ये रुपए। तो राम ने कितने अधिक रुपए लगाए? 3,362 रुपए लगाए।
अधिक लगा है। सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करो या अपना वीडियो पॉज करके। अगला सवाल देखो, 6 नंबर पर उंगली रखो। फूलों की एक दुकान में 83,212 फूल गुलाब के तथा 45,925 फूल चमेली के हैं। दुकान में कौन से फूल कम हैं तथा कितने कम हैं? कितने कम हैं? कम के नीचे अंडरलाइन करो, कम लिखा हुआ है ना, क्या करेंगे इसमें भी माइनस। देखो गुलाब के फूल कितने हैं, 83,212 गुलाब के फूलों की संख्या है और 45,925 ये कौन से फूल है, चमेली की। अब ये कह रहा है दुकान में कौन से फूल कम है, कम कौन से, देखो 83,212 और दूसरा 45,925, तो ये कम है ना 45,925, कौन सा फूल है ये, चमेली की। चमेली के फूल कम है, अब क्या निकालना, कितने कम है, तो क्या करेंगे इसमें माइनस, कितने कम है निकालना है। पहले कम के नीचे अंडरलाइन करो, पहली लाइन क्या लिखेंगे, पहले किसकी संख्या दी हुई है, गुलाब के फूल की, तो क्या लिखेंगे, गुलाब के फूल हैं, अंडरलाइन करो ऐसे, गुलाब के फूल हैं, कितने, 83,212। फिर दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या किसकी है, चमेली के फूल की, तो क्या लिखेंगे, चमेली के फूल हैं। अब कम कौन से फूल है, चमेली के फूल कम है, तो तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, चमेली के फूल कम हैं, चमेली के, यहां से देख कर लिखोगे, फिर ये देखो फूल कम हैं। देखो पहली लाइन गुलाब के फूल है, बोलकर लिखो, बराबर 83,212, किताब में से देखकर लिखो संख्या। दूसरी लाइन लिखो चमेली के फूल है, फूल हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाओ, कितने, 45,925। अब कम कौन से फूल है, चमेली के, तो तीसरी लाइन लिखो यहां से देखकर, चमेली के फूल कम हैं। बराबर क्या करना है, माइनस, माइनस का निशान लगाओ यहाँ पर, इसका ये माइनस आप होमवर्क में करोगे। तो 5 नंबर के नीचे एक लाइन छोड़कर 6 नंबर ये नोट करो और इसका ये माइनस आपको करना है। अगले सवाल पर उंगली रखो सब बच्चे, 7 नंबर पर। ये शहर की जनसंख्या 12,014 है। यदि शहर में 7,568 पुरुष तथा बच्चे हैं तो महिलाओं की संख्या बताइए। जनसंख्या दी बच्चों 12,014, 12,014 जनसंख्या में देखो पुरुष महिला और बच्चे सब आते हैं, इसमें 12,014 ये, इसमें महिलाएं भी है पुरुष भी है और बच्चे भी है। ये सवाल कह रहा है इसमें पुरुष और बच्चों की संख्या दी है इसमें से 7,568, ये पुरुष और बच्चों की संख्या, तो ये कह रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो जब हम पूरी जनसंख्या में से पुरुष और बच्चों की संख्या को जब हम बाहर निकाल देंगे, पुरुष और बच्चों को अलग कर देंगे, तो पीछे कौन बचेगा, महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, जनसंख्या है, पहली लाइन क्या लिखनी है, जनसंख्या है, अंडरलाइन करो ऐसे, जनसंख्या है, जनसंख्या में पुरुष महिला और बच्चे तीनों है, पूरी जनसंख्या में से हम जब पुरुष और बच्चों की संख्या को बाहर निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे, अलग कर देंगे, पीछे कौन बचेगा,
वही लाइन। तो पहली लाइन क्या आ जाएगी हमारी, जनसंख्या है बराबर 12,014। फिर दूसरी लाइन, पुरुष तथा बच्चे हैं, अंडरलाइन करो इसे, पुरुष तथा बच्चे हैं, कितने ही है, 7,568। और किसकी संख्या निकाली है, महिलाओं की। तो तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, महिलाओं की संख्या है, इसको बोलकर पहली लाइन लिखेंगे, जनसंख्या है बराबर कितने है, 12,014। 12,014। दूसरी लाइन लिखो, किताब में से देखकर लिखो, ये पुरुष तथा बच्चे हैं, पुरुष तथा बच्चे हैं बराबर कितने है, 7,568। विद्यार्थी तरफ से लिखो, 7,568। और तीसरी लाइन क्या आ जाएगी, महिलाओं की संख्या है, देखो महिलाओं की संख्या है बराबर क्या करना है, माइनस निशान लगाओ ऊपर, करो माइनस, 4 में से 8 माइनस नहीं होता है, क्या करेंगे, 4 1 से उधार ले लो, 1 को काटो, 4 को 1 उधार दिया, 1 के पहले अब क्या आता है, देखो 0, कितने हो गए ये, 14, 14 में से 8 माइनस करो, कितना बचा है, 6, देखो ये 6, ये क्या है, 0 में से 6 माइनस करना, 0 में से 6 माइनस नहीं होता है, 0 में से कुछ नहीं है, तो क्या करेगा ये, 0 अपने पड़ोसी से उधार लेगा, इधर देखो ये क्या है, 0, तो ये किससे उधार लेगा, 2 से, 2 को काटो, 2 के पहले क्या आता है, 1, ये 2 इस 0 को उधार देगा, तो कितने हो गए, 10, ये 10 अब इसको उधार लेगा 0 को, 10 को काटो, इसको 1 उधार दिया, 10 के पहले क्या आता है, 9, देखो यहाँ पर 9, ये कितने हो गए अब, 10, 10 में से क्या माइनस करना है, 6, करो 10 में से 6 माइनस, कितना बचा है, 4, देखो 4, या 9 में से 5 माइनस करो, देखो 4, 1 में से 7 माइनस नहीं होता है, 1 ने इसे उधार लिया, कितने हो गए, 11, माइनस करो 11 में से 7, कितना बचा, 4, देखो ये 4, कॉमा लगाओ, इकाई दाई सेकना कॉमा, तो महिलाओं की संख्या कितनी आई, 4,446, या गई महिलाओं की संख्या, पूरी जनसंख्या से पुरुष और बच्चों की संख्या को माइनस कर दिया तो ये पीछे महिलाओं की संख्या आ गई। सब बच्चे अपना वीडियो पॉज करके नोट करो इसको। इसका अगला 8, 9, 10 ये हम अगले दिन करेंगे।